अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं दमपोख्त कुछ दोस्तों की फरमाइश पे, और आज आप लोग हमारे साथ रहिएगा, आप लोगों को भी पता लगे कि कैसी क्विकेस्ट जो रेसिपी है वो बनाई जाती है। ओके, सबसे पहले हमने डाली है चर्बी दुम्बे की, लाट की चर्बी। इसको सबसे पहले यहाँ हमने फैला देना है। ये मिट्टी की हंडी लेनी है आपने, और इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है ऐसे फैला देना है चर्बी को। अब ऊपर से दिखाओ ना, ऐसे मैं जैसे चर्बी फैला रहा हूँ। ये देखें, इस चर्बी के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे पहले ही, तो इसको जो है आपने इस तरह से बेस के अंदर जो है हंडी में फैलाना है सही तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डलता, इस चर्बी के अलावा कोई ऑयल नहीं होता, यही चर्बी मेल्ट होके इसमें ऑयल बनती है। इस तरह बेहतरीन किस्म का इसको फैला लें। ये देखें, तो इस तरह से कटिंग कर ली है। आलूओं को आपने इस तरह से काट लेना है, और बेस में चर्बी के बाद आपने आलू डाले इसके अंदर, ताकि आलू जो है वो थोड़ी देर लगाते हैं गलने में, और गोश्त अगर आप नीचे रखेंगे तो गोश्त वो जल सकते हैं। तो इसको आपने जो है सबसे बेस में आलू को डालना है, कुछ आलू नीचे रखेंगे और कुछ हम लोगों ने गोश्त के साथ रखने हैं। ये पहले इस तरह से फैला देने आपने आलू, कुछ आलू इस तरह रख देने, बेहतरीन। ये देखिए जी, ये गोश्त हमने, ये बकरे का गोश्त है हमारे पास, और इसको हमने हड्डी वाला गोश्त हो तो ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि उसके अंदर से जूस निकलता है और जो है वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसको आपने इस तरह से फैलाना है इसके अंदर आलूओं के साथ, जहाँ जहाँ आपको खाली जगह लगे वहाँ पर आपको इसको ऊपर डाल दें आलूओं के, बेस में नहीं आपने डालना, आपने इसके साथ साथ डालना है। ये देखें जी, ये इसमें हमने डाल लिया है गोश्त, फुल कर लिया है इसको, नीचे सबसे चर्बी है, उसके ऊपर आलू डाले हैं, फिर हमने गोश्त को फैला लिया है। अब इसके ऊपर जो बाकी के आलू बचे हुए थे वो इसमें मैं डाल रहा हूँ आलू, इसमें जहाँ आपको जगह बनती है वहाँ पर इसमें आलू डाल दें। ये देखें जैसे ये, और अगर आप मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा बेहतरीन जो है वो बनेगा, क्योंकि इसका अपना भी एक ट्रेडिशनल टेस्ट होता है मिट्टी का। अच्छा जी, इसके अंदर आधा किलो हमने चर्बी डाली है और 5 किलो गोश्त है, उसके अंदर अपने हिसाब से आप आलू अपने हिसाब से डालें, क्योंकि ज़्यादा जो है वो जूस जब आलूओं के अंदर जाता है तो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो उसके लिए मैंने तकरीबन अपने हिसाब से कोई डाले हैं 12-13 आलू हैं तकरीबन। उसके बाद आपने 2 बड़े प्याज काट लेने, उनको भी इसी तरह से इसमें सेटिंग कर देनी है प्याज की, बीच में ऐसे ही रखने, कोई छोटी कटिंग नहीं करनी, प्याज को 4-4 पीस में जो है वो आपने काट लेना, अपने हिसाब से आपने इसमें देख लिएगा कैसे जगह बनती है वैसे इसमें आपने सेटिंग कर लेनी है प्याजों की। ये हो गए हमारे प्याज सेट इसमें, और उसके बाद आपने इसमें डालने हैं टमाटर, 4 टमाटर डालें या 5 बहुत होते हैं इसमें टमाटर डालें, वो भी आपने 4-6 पीसेस में काट लेने हैं टमाटरों को भी। ये ऐसे डाल लें जी, बेहतरीन। 4-5 आपने इसमें लेमन डालने, और लेमन जो है वो आपने पूरे नहीं डालने, कभी भी छिलके के साथ, क्योंकि अगर आप छिलके के साथ लेमन डालेंगे तो वो करवाट पैदा करेंगे लेमन के छिलके की वजह से, तो आपने इसलिए इसके अंदर जो है स्क्वीज़ कर लेना लेमन को, ताकि जो सारा लेमन का जूस है वो सही तरह से बीच में आ जाए। उसके बाद आपने ऊपर हरी मिर्चें रख लेनी है, 5-6 हरी मिर्च आ जाएंगी ऊपर ही, ऐसे सेटिंग कर लें बीच में हरी मिर्चों की, बेहतरीन किस्म की। ये देखें, ये आपके सामने मैंने सारी फिलिंग कर दी है। इसके ऊपर आपने फाइनली जो है वो टच देना है सॉल्ट का, हसबे जायका आपने डालना है सॉल्ट, जितना आप लोग खाते हो नॉर्मली उस हिसाब से आपने सॉल्ट डालना है। फाइनल जो है वो आपने डालना है ब्लैक पेपर, जितना हसबे जायका है ये भी, ठीक है ना। लास्ट में आपने इसमें डालना है लहसुन 5-6, ये भी ले लीजिएगा, इसको भी ऐसी साइडों पे जैसे पहले एडजस्ट किया हमने उसी तरह से लहसुन को भी एडजस्ट कर लेगा, उससे ज़रा बेहतरीन सब बादीपन इसमें ख़त्म हो जाता है हांडी के अंदर, और एक बेहतरीन जायका आ जाता है। और उसके बाद फाइनल जो है वो इसमें हमने डालना है पानी, जिसके अंदर ये कम लगेगा, और जिसको हम कहते हैं दम पोख्त।
देखिए जी, इसके ऊपर एंड में आपने देना ढक्कन और उसके साइड पे हमें लगाना है आटा। लेकिन अभी हमें पता लगा है कि हमारा ढक्कन है छोटा, तो अब हमने एक बंदे को भेजा है फाइनली, अल्लाह करे ढक्कन मिल जाए। दुआ से, दुआ की अपील है सबके लिए कि हमें ढक्कन मिल जाए, नहीं तो फिर कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। फाइनली हमें डोंगे का एक ढक्कन मिला है, और हांडी का ढक्कन जो है वो हमारे पास पहले था, वो छोटा हो गया इत्तेफाक से, और ये जो है ढक्कन हमने जुगाड़ के लिए अब लेके आए हैं। और इसके साथ हम लोगों ने रखा है आटा, इसको सील करने के लिए, ताकि इसके अंदर से भाप बाहर ना निकले, क्योंकि पूरे के पूरे इन सब चीज़ों ने भाप के अंदर ही पकना है। देखिए जी, ऐसे लंबा लंबा सा आपने इसको आटे को पकड़ा के ये साइडों पे चिपका लेना, ये देखिए इस तरह से। हमने इसके अंदर सिर्फ पानी इतना डालना है कि ये सब चीज़ें जो है अच्छी तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाएं, क्योंकि इसी भाप के, इसी पानी से भाप पैदा होगी और उसी के अंदर ये सब कुछ बनेगा। ये देख लें, ये हमने इसके साइडों पे आटा लगा दिए, अब इसके अंदर रखने लगे हैं ढक्कन इसका। फाइनली प्रेस करके सही तरीके से आपने इसके अंदर ढक्कन रखना है, ताकि एयर जो है वो कहीं से लीक ना हो। अगर एयर लीक हुई कहीं से तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है आटा लगा के इसको कवर करने का, और भाप जो है वो सारी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि सारी की सारी बन्नी भाप के अंदर है। ये फाइनली जो है हमने इसको पैक कर दिया सारा आटे के साथ, उसके ऊपर हमने लिड दे दिया है, और ये अब हमारा फाइनली रेडी है सब कुछ चूल्हे पे चढ़ाने के लिए। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और ठीक 2 घंटे के बाद इसको हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। ये देखें जी, ये इसके ऊपर हमने वेट रख के अब हम चूल्हे पे चढ़ा दिया है इसको, अब हमने 2 घंटे का वेट करना है, और साथ में इसको यहाँ से नोट करते रहना, अगर यहाँ से कहीं से लीक होगा तो उसको फिर हमने आटे से इसको पैक करना है, ताकि इसके अंदर से भाप जो है वो बाहर ना निकले।